राजधानी रायपुर के निजी अस्पतालों में विगत 8 सालों से सेवाएं दे रहे आयुष्मान मित्रों ने शासन द्वारा संचालित स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों को आयुष्मान मित्र की नियुक्ति का अधिकार दिए जाने का विरोध किया है। आयुष्मान मित्र संघ का कहना है कि वर्तमान समय में राज्य नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निजी अस्पतालों में योजना के संचालन के लिए नियुक्त टीपीए एमडी इंडिया नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत निजी अस्पतालों में आयुष्मान मित्र तौर पर कार्य कराया जा रहा है। टीपीए की ओर से गत 21 जनवरी को व्यक्तिगत तौर पर सभी को एक ईमेल भेजा गया, जिसमें आगामी 31 जनवरी आयुष्मान मित्र की सेवाएं समाप्त करने की सूचना दी गई। आयुष्मान मित्र का कहना है कि आगामी वर्ष योजना के क्रियान्वयन के लिए चयनित टीपीए द्वारा कार्यरत आयुष्मान मित्र की भी जानकारी मांग ली जाती थी, जिससे वे अपने पद को लेकर निश्चिंत हो जाते थे। इस बार राज्य नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ शासन ने अभी तक टीपीए नियुक्त नहीं किया है, बल्कि प्रदेश के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को पत्र जारी कर योजना से पंजीकृत समस्त निजी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान मित्र नियुक्ति किए जाने का निर्देश दिए गए हैं। हम लोग जो आयुष्मान मित्र पद में पदस्थ हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में हम लोग आयुष्मान मित्र में पद में कार्यरत हैं और काफ़ी 8-9 साल से भी हम लोग जितने भी स्वास्थ्य योजना स्कीम है उसमें हम लोग लगातार कार्य करते आ रहे हैं। और साथ में अभी हमारे से बीच में ऐसा हुआ है कि जितने भी आयुष्मान मित्र को 22 तारीख को लेटर कर दे दिया गया है कि आप जो नौकरी आपको 31 तारीख तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका अब नौकरी से हटा दिया जाया है गया है, ऐसा हमें मेल आया है सभी आयुष्मान मित्र के पास में। और एक एमओयू साइन हो रहा है स्वास्थ्य मंत्री के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि जितने भी निजी अस्पताल हैं प्राइवेट अस्पताल में उसके द्वारा ही आयुष्मान मित्र का चयन किया जाएगा और NHA के द्वारा उनको सर्टिफाइड आयुष्मान मित्र का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा और उनको आयुष्मान मित्र पद दे दिया जाएगा। तो हमारा यही सवाल है कि हम लोग 8 से 9 साल तक अभी जो कार्य कर रहे हैं और उनको हमारे पद को छीन कर अब निजी अस्पताल को क्यों सौंपा जा रहा है, कि क्योंकि हमारी जो अहम भूमिका थी आयुष्मान मित्र के आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ साथ उनको मुफ्त उपचार दिलाना, तो कि हम उपचार उनको मुफ्त ना दिला सके, जो कि हम लोग जो रहते हैं हॉस्पिटल में रहते हैं तो हम लोग मुफ्त उपचार दिलाते हैं, तो उनका कहना है इन लोग को फ्री में इलाज ना दिला सके ताकि वो मनमानी कर सके, किसी भी पेशेंट से मनमानी कर सके, पैसे लूटपाट कर सके, इसीलिए हमारे से जो आयुष्मान मित्र के पद को छीन कर हॉस्पिटल को दिया जा रहा है, इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं और हम अपनी बात सरकार के पास। 2 दिन पहले राजभवन गए थे, कलेक्ट्रेट गए थे, तो वहाँ तक क्या मिला? अभी तक कोई हमें वहाँ से कुछ भी मतलब जानकारी में मुलाकात नहीं मिला है जिसे हमें कुछ बहाल किया जा सके, ऐसा कुछ हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। आगामी दिनों में क्या करेंगे अगर मांगों पर विचार नहीं किया गया? हम लोग 31 तारीख तक देखेंगे, अगर हमने जितने जगह भी ज्ञापन अभी सौंपा है, जितने भी मंत्री हैं, कार्यालय है, हमें NHA में भी, नोडल एजेंसी में भी हमने जो पत्र दिया है, हमें उचित का भी उचित सही जवाब अगर नहीं मिला, जो हॉस्पिटल को जो हमारे जो पद दिया जा रहा है उसको बर्खास्त करके हम जो पुराना आयुष्मान मित्र उसको बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग अभी 31 तारीख के बाद हो सके तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी कर देंगे। अपना नाम बताएं।